हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शेयर के ऊपर। अगर आज के सेशन में देखेंगे तो पीएसयू बैंक में जो है तकरीबन हम लोगों को ऑलमोस्ट साइडवेज टू आपको एक नॉर्मल अपमूव हम लोगों को आता हुआ दिखा। इंडाइसेस में भी ज़्यादा बड़ा अपमूव नहीं था। और अगर मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक की भी बात करेंगे तो आपको 2%, 3%, 4% ही ऊपर था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आईडीबीआई बैंक में तकरीबन 2.25% का तेजी हम लोगों को देखने को मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पौने 1% मजबूती के साथ क्लोज हुआ। वहीं बात अगर हम लोग करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में आज हम लोगों को 3% के तेजी के साथ बंद होता हुआ शेयर दिखा। 82.75 के लेवल पे जो है यहाँ पे आपको शेयर क्लोज हुआ है। लेकिन फाइनल क्लोजिंग प्राइस जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि फाइनल क्लोजिंग प्राइस जो है वो आपको लास्ट 30 मिनट का एवरेज होता है। इसी वजह से जो है फाइनल प्राइस आपको डिफरेंट मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, तो यहाँ पे जो है आज के सेशन में इस स्टॉक में हम लोगों को डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्लियरली फर्स्ट टाइम सेलर्स यहाँ पे आए। उसके बाद जो है आपको प्रीवियस सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, और आज के सेशन में यहाँ पे गैप अप जरूर ओपन हुआ था, बट उसके बाद से जो है यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला। अब यहाँ पे इस स्टॉक में दो सिनेरियो हो सकता है, या तो यहाँ पे वापस से जो है आपको सेलर्स यहाँ पे एक बार के लिए आएंगे और अगर इस स्विंग लो को ब्रेक कर देते हैं तो फिर इस स्टॉक में नीचे की साइड हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नीचे की साइड, और हम लोगों को 60 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे आपको सेलर्स आए, बट यहाँ पे जो है आपको प्रीवियस स्विंग लो अगर डिफेंड हो जाता है तो फिर ऊपर की साइड में हम लोगों को वापस से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक्जेक्टली कौन सा सिनेरियो होने वाला है, इसके लिए जो है हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जो है मार्केट हम लोगों को शो नहीं करेगा, कैंडल क्लोज नहीं होगा, हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं जो आपको एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बस हम लोग लेवल्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर ऊपर की साइड आपको इस प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर आपको सस्टेन करता है तो फिर जो है 100 का लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, और 100 के ऊपर एक अच्छा सस्टेन करे वीकली कैंडल तभी हम लोग बाइंग पोजिशन क्रिएट करेंगे। डाउन साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रीवियस स्विंग लो अगर ब्रेक हो जाता है, 67 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोगों को और नीचे 60 का लेवल और फिर उसके बाद 50 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए बस हम लोगों को वेट करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट क्या करना चाह रहा है, कैंडल का क्लोजिंग कैसा होता है, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। बात अगर करें हम लोग मंथली कैंडल के ऊपर, क्योंकि इस वीक में मंथली कैंडल भी क्लोज होने वाला है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्टॉक में भी जो है आपको मंथली बेसिस पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मंथली बेसिस पे बात करेंगे एक स्ट्रॉन्ग डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मंथली बेसिस पे भी आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है वो 100 का ही लेवल होने वाला है। अगर स्टॉक 100 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तभी इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि 100 का लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस लेवल है। साथ ही साथ बात करेंगे 100 के लेवल के ऊपर 2018 के बाद स्टॉक ने यहां पे क्लोजिंग नहीं दिया है। 2018 के मार्च के बाद स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया है। तो अगर यहाँ पे आपको क्लोजिंग होता है तो ऑलमोस्ट 4 ईयर के बाद जो है एक अच्छा क्लोजिंग होगा, तो उसके बाद जो है वापस से मोमेंटम गेन करता हुआ दिख सकता है, जहाँ पे कि नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का 182-190 का लेवल भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।